यूपी के फतेहपुर जिले की डीएम अपूर्वा दुबे ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। डीएम के वैक्सीन सेंटर पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कोरोना वैक्सीन सेंटर में आज किए गए ड्राई रन की गंभीरता से जानकारी ली, साथ ही कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए। डीएम के मुताबिक जिले में ड्राई रन की कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। 3 सेंटर शहरी क्षेत्र में और 3 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं और प्रत्येक केंद्रों में ड्राई रन के दौरान 50-50 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हो रहा है और हमारे जिले में किया गया है 6 स्थल चयनित किए गए थे, 3 रूरल और 3 अर्बन, तो यहाँ पर भी कराया गया। तो ये वन ऑफ द सेंटर्स था जो जिला चिकित्सालय, और इसमें भी लोगों के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था रखी हुई है। सारे ऑब्जर्वेटरी रूम हो चाहे जो डॉक्टर्स की टीम है, सभी सब कुछ तैनात है। इसमें छोटी मोटी कमियाँ उसके लिए निर्देशित कर दिया गया। तो ये 4 बजे तक अभी चल रहा है। तो ये दिस जो इसका आयोजन था वो इसीलिए किया जा रहा है कि हम लोग इस ट्रायल से सीख लें कि जो त्रुटियाँ हैं वो जब मेन वैक्सीनेशन की जाए ना हो, तो वही उसी में हम लोगों का ये कह लीजिए एक तरह से प्रयास है और रिहर्सल। सिक्स सेंटर्स में 50 ईच किए गए हैं, 2 सेशन प्रति साइट किए गए हैं, और अभी जो है वो चल रहा है, कहीं 40 हो गए, कहीं 45 हो गए हैं। तो ये 4 बजे करीब।